विनय भाई अब्दुल अभी तक यही है? अरे अब्दुल तुम अभी तक यही हो, गए नहीं घर पे? हाँ बीड़े भाई, आज जो भी हुआ ना वो सोच सोच के दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, इसीलिए मैं दुकान पर ही बैठा रहा। लेकिन आप लोग यहाँ पर इस वक्त? अरे अब्दुल, वो अय्यप्रा मंदिर में सो रहा है ना, तो उसके लिए खाना तकिया चादर वगैरह लेके गए थे। आप लोग भी कमाल कर रहे हो, शादीशुदा होने के बावजूद किसी दूसरी लड़की के साथ लफड़ा करने वाले पर आप लोग रहम कर रहे हो। अब्दुल, अय्यप्रा ने कोई लफड़ा नहीं किया यार। अब्दुल ये बहुत दर्द भरी कहानी है। पोपटलाल, अय्यर ने बताने से मना किया है, याद है ना? हाँ, लेकिन अब्दुल कहाँ पर आया है, इसे तो बता ही सकते हैं ना। हाँ पोपट भाई बताइए ना। अब्दुल याद है उस दिन अय्यर भाई शराब पीकर आए थे और फिर तुम लाइट बंद करने गए थे? ला ला, मुझे माफ करना, उससे गलती हो गई। मैं अय्यर भाई को मनी मन में कितना कोस रहा था, मैं अभी जाके माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं अब्दुल, अभी अय्यर को डिस्टर्ब मत कर, वो पहले से बहुत परेशान है, तुम कल बात कर लेना उससे। ठीक, मैं चलता हूँ। हाँ। ओ यारो, हम भी घर चलते हैं कि रोशन डार्लिंग ने देख लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो दोस्तों कुछ नहीं। हाँ चलो। उनकी हो गया यार, क्या हुआ भाई, आप लोग रुक क्यों गए? सॉरी, मुझे लगता है इस विंग में ही कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़? आज अचानक तुझे सी विंग में क्या गड़बड़ दिख गई भाई? हाँ गड़बड़ मतलब, मुझे लगता है इस विंग की किस्मत ही खराब है। बिडू, वो जो भी बोलने साफ तो बोल यार। सॉरी, इतने सालों से पोपटलाल की शादी नहीं हो रही है, अय्यर और बबीता चाची इतने साल की अच्छी खासी शादी टूट रही है और दोनों इसी विंग में रहते हैं ना। हाँ पिडू, ऐसे सोचा ही नहीं। नहीं नहीं, मैं इन सब चीजों में नहीं मानता, ऐसा कुछ नहीं होता। पोपटलाल मानता तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन वो बोलते हैं ना कभी कभी वास्तु दोष होता है, तो हो सकता है इस विंग की वास्तु में कोई दोष हो। पिडू, अगर हमारी बीवियों ने हमें अभी देख लिया ना तो हमारा वास्तु बिगाड़ देंगी, प्लीज कर दिक्कत कर। अरे एक मिनट एक मिनट रुको, क्या हुआ? मैं क्या करूं? क्या करूं मतलब? मतलब मैं विंग के अंदर जाऊं कि नहीं? पोपटलाल, तुमने बोला ना कि तुम इन बातों में नहीं मानते। हाँ लेकिन तुमने वो दिमाग के अंदर शक डाल दिया ना, अब मैं रिस्क नहीं ले सकता। अच्छा ठीक है, कल बात करते। क्या कल बात करते भाई, पूरी बात करके जाओ। ओए पप्पू, तेरे को बोला ना अगर किसी ने भी हमको देख लिया तो यहीं खड़े खड़े परेड करा देंगे। पूरी बात करके तो जाओ। खामखा टेंशन दे दिया, क्या करूं? क्या सच में इस विंग के वास्तु में दोष है, इसलिए अय्यर भाई और बबीता जी की शादी टूट रही है? जिसको सबसे ज्यादा प्यार किया वो मेरे को सबसे ज्यादा नफरत करेगा, लेकिन बबीता तो खुश रहेगा, हैप्पी रहेगा, यही सोचकर मैं वो नफरत बर्दाश्त कर लेगा। नफरत से तो नफरत से, लेकिन बबीता मेरे को याद जरूर करेगा। भगवान, बबीता जहाँ भी रहे, जैसा भी रहे, जो भी करे, लेकिन हमेशा खुश रहे, उसको लाइफ से कोई एडजस्टमेंट ना करना पड़े। अच्छा हुआ जो तुमको मालूम पड़ गया, आई लाइक स्वीटी। मैं स्वीटी को कभी भूल नहीं सकता। अगर तुमको मेरे और स्वीटी के रिलेशन से कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को डिवोर्स दे दो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी अय्यर। डिवोर्स का फाइनल होते ही बबीता जी का नया जन्म हो जाएगा, नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। पर नई जिंदगी कैसी होगी, किसके साथ होगी? क्या हुआ बबीता जी, कुछ चाहिए? दया को जगाओ। नहीं नहीं आया, बस नींद नहीं आ रही थी। बैठिए। बबीता जी, नींद तो मुझे भी नहीं आ रही है, काश आपका ये टेंशन पैसे जैसा होता तो
मैं आपका यह टेंशन उधार ले लेता। नहीं उधार क्यों, मैं आपसे आपका यह टेंशन खरीद ही लेता। मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है बबीता जी। थैंक यू सो मच जेठा जी। काश अय्यर आपके जैसा होता, काश वो आपकी तरह मेरी फिक्र करता। फिक्र क्या, वो तो मुझे छोड़कर किसी और लड़की के साथ अफेयर कर रहा है। और एक आप है जो पराए होकर भी कितना अपनापन दिखा रहे। बबीता जी एक बात पूछूं? हाँ पूछिए ना। आप अय्यर भाई से प्यार क्यों नहीं करते? ये कैसा सवाल पूछ रहे हो जेठा जी? अय्यर शादीशुदा होकर किसी और लड़के के साथ अफेयर कर रहा है, मैं ऐसे इंसान के साथ कैसे प्यार कर सकती हूँ? ओहो बबीता जी अभी भी हकीकत बता नहीं रही है। बबीता जी पता नहीं क्यों लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि आपको अय्यर भाई के लिए कुछ गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी? रिमझिम मॉल में मैंने अपनी आंखों से उसको उस दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट करते हुए देखा है। क्या करूं, बबीता जी को हकीकत बता दूं? बता ही देता हूं। बबीता जी कई बार ऐसा होता है कि हम जो सोचते हैं वैसा असल में होता नहीं है। जेठा जी प्लीज, मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। मैं अय्यर के साथ अब एक पल नहीं रह सकती। उसे जो करना है वो करे, मुझे जो करना है मैं करूंगी। ओहो मतलब बबीता जी सच में अय्यर भाई से आजादी चाहते हैं। अच्छा हुआ ना मैंने सब सच बता नहीं दिया, वरना छोटा छड़ा दे के बबीता जी को आजाद करने का अय्यर भाई का पूरा प्लान बिगड़ जाता। वैसे अय्यर भाई से अलग हो के आपने क्या करने का सोचा है? पता नहीं, मैंने कुछ सोचा नहीं है, पर मैं कोलकाता नहीं जाऊंगी। मैं यही मुंबई में रहना चाहती हूँ, पर उस घर में नहीं। वहां रहूंगी तो पुरानी यादें मुझे सताएगी। फिर बबीता जी मतलब मुंबई में बिना घर के अकेले कहाँ रहेंगे आप? अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो यहाँ आपके घर। मतलब जब तक कोई दूसरे अरेंज में ना हो क्या मैं यहाँ पे आपके घर में रह सकती हूँ? जेठा जी क्या आप मेरी इतनी हेल्प करेंगे? कैसी बात कर रहे हैं बबीता जी, ये भी कोई पूछने की बात है? अरे एक बार बादल बरसने का मना कर दे, बिजली कड़कने का मना कर दे, लेकिन मैं आपकी मदद करने के लिए कभी मना नहीं कर सकता। ये आप ही का घर है, आप जितना चाहो उतना रह सकते हैं। थैंक यू सो मच जेठा जी, पर मैं यहाँ पे बोझ बनकर नहीं रहूंगी। मैं मॉडलिंग करूंगी, एक्टिंग करूंगी, कुछ भी करके अपना करियर बनाऊंगी। अच्छा अब समझा, बबीता जी अपना करियर बनाने के लिए आजादी चाहती है। लेकिन बबीता जी मैंने सुना है कि ये एक्टिंग की लाइन में काम मिलना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। जीठा जी आपका साथ रहा तो मैं किसी भी सिचुएशन से लड़ सकती हूँ। ये कैसी बात कर रहे बबीता जी, मेरा साथ तो हमेशा आपके साथ रहेगा। मैं आपके लिए अपना पूरा जोर लगा दूंगा, जहाँ जहाँ मेरी पहचान है वहाँ वहाँ मैं आपकी बात करूंगा। क्या हुआ बबीता जी? कुछ नहीं, सोच रही थी आप अगर नहीं होते तो मेरा क्या होता। जीठा जी आप मेरा इतना ख्याल क्यों रखते हैं? ख्याल तो रखना पड़ेगा ना बबीता जी, हम अच्छे पड़ोसी जो है। गलत। तो इतनी परवाह कोई पड़ोसी नहीं, कोई अपना ही करता है। समझ भी नहीं आता है आपका और मेरा क्या रिश्ता है। ऐसा लगता है कि पिछले जन्म की हमारी कुछ लेना देनी बाकी रह गई होगी। बबीता जी मुझे लगता है हमारा रिश्ता एक अच्छे और सच्चे दोस्त का है। You're absolutely right. जब कोई दोस्त तकलीफ में होता है ना तो उसकी मदद
उसका सबसे अच्छा और सबसे सच्चा दोस्त ही करता है। जेठा जी, आप सच में मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। ये सब तो सपना था। ये भगवान, ये सब क्या हो गया? कल का सवेरा बबीता जी और अय्यर भाई के जीवन में नई रोशनी लेकर आए ऐसा करना। अय्यर भाई, गुड मॉर्निंग। अभी मेरा मॉर्निंग गुड कहाँ है? अय्यर भाई, चाय लाए वहां के लिए। लेकिन अय्यर तो कॉफी पीता है। अब्दुल आदरम, आज मेरा पूरा लाइफ बदलने वाला है, तो फिर कॉफी की जगह चाय आ गया तो क्या फर्क पड़ता है? अब्दुल थैंक यू, चाय बहुत अच्छा है। थैंक यू। पर ये मेरा मोबाइल का बैटरी लो हो गया है, इसको प्लीज चार्ज कर देना। आप बोकर धाम के फ्रेंड्स नहीं होते तो न जाने मेरा क्या होता। अय्यर, अभी वो सब बातें छोड़ो, तुम घर जाके जल्दी से तैयार हो जाओ, वो वकील साहबा 9 बजे आने वाली है। फाइनली बबीता जो चाहता है वो हो रहा है। बबीता जी, कॉफी पी लीजिए, ठंडी हो रही है। आप कॉफी पी लीजिए, फिर हम नीचे जाते हैं। वो वकील मैडम के आने का भी टाइम हो गया। बेटा, ऐसे क्यों बैठे हो भाई? हाँ बेटे भाई, क्या हुआ? पटलाल, क्या सुविचार, देखो कुछ सूझ ही नहीं रहा है। कैसे सूझेगा, इस वक्त सोसाइटी में जो कुछ चल रहा है उससे सबका दिमाग काम करना बंद हो गया। लगता है वकील साहब आ गए। हाँ, 9 बज गए, टाइम की बहुत पक्की है। चलो मिलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। जेठालाल जी का घर कहाँ है? जी, इसी विंग में है, बी विंग में। आप? मैं एडवोकेट मीनाक्षी। अच्छा अच्छा। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी। और मैं वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल, इसी सोसाइटी में रहता हूँ। आप वो अय्यर भाई बबीता जी के डिवोर्स के केस के सिलसिले में आई है ना? जी। उसकी मीटिंग हमने हमारी सोसाइटी के क्लब हाउस में रखी है। क्लब हाउस में? ये हस्बैंड वाइफ का पर्सनल मैटर है या पूरी सोसाइटी का मैटर है? नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन हमारे सोसाइटी में कोई भी मामला पर्सनल नहीं होता है। कैन हम सब एक परिवार की तरह रहते हैं। जी, ये तो मैंने भी बहुत सुना है कि गोकुलधाम सोसाइटी पूरे परिवार की तरह है। मैं जेठालाल को बुलाता हूँ। जेठालाल, ओ जेठालाल, वकील साहब आ गई है। आहो, अभी भी वक्त है, अय्यर भाई को समझाइए ना। माधवी, मैंने समझाया उसे, लेकिन वो मेरा स्टूडेंट नहीं है जो मैं उसको बार बार समझाऊं। वो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट, वो कुछ समझदार है। अरे कमाल है, आपके दोस्त ने इतनी बड़ी गड़बड़ की, इतना सब कुछ हुआ और आप उसको समझदार कह रहे हैं? अरे आप लोगों ने मिलकर उसको जरा समझाना चाहिए। गोपाल भाभी, आपको क्या लगता है कि नहीं समझाया होगा? फिर बहुत समझाया, लेकिन कोई समझने को तैयार ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं? सही बात है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लीजिए, आ गए अपना अय्यर भाई। और इन्हें देख के मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इन्हें कोई फर्क पड़ता है। अरे कभी ऐसा ही बिहेव करना पड़ेगा, वरना किसी को भी शक हो जाएगा। लफड़ेबाज के तेवर तो देखो। बापू जी, अय्यर भाई लफड़ेबाज नहीं है। क्या? कुछ नहीं। तो आप हैं बबीता जी के हस्बैंड?
जी बबीता जी, ये है हमारे वकील मीनाक्षी जी। हेलो। हाय। अय्यर भाई कल पूरी रात मंदिर में सोए थे, माताजी ने जरूर उनको सद्बुद्धि दी होगी। भाभी, जिस तरह से अय्यर भाई ने बबीता से मुंह फेरा है ना, उसे लगता तो नहीं है। बाप रे बाप, इतना बेशरम इंसान मैंने पहले कभी नहीं देखा है। आप लोग भी क्या कर रहे हैं, आप लोग यहीं शुरू हो गए। हम लोग क्लब हाउस में जाते हैं, वहां बैठ के शांति से बात करते हैं। सही बात। हाँ चलो 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 चलो, चलो, चलो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सब यहाँ पे अय्यर और बबीता जी के डिवोर्स के सिलसिले में इकट्ठा हुए हैं, और उसी सिलसिले में वकील साहिबा भी यहाँ पे आई हुई है, तो मैं वकील साहिबा से कहूँगा कि वो शुरू करें कार्रवाई। देख अय्यर, सुधर जा, अभी भी वक्त है। बबीता बेटी से माफी मांग ले, मैं बबीता बेटी को समझा दूंगा, वो तुझे माफ कर देगी। देखिए चाचा जी, वकील साहिबा आ गई है, आप प्लीज उनको उनका काम करने दीजिए। मीनाक्षी जी, अय्यर को नोटिस दे दीजिए। ओके। ये नोटिस आप पढ़ लीजिए, आपको 15 दिन में इसका जवाब देना है। ये डिवोर्स का ही नोटिस है ना? जी। हाँ, तो मेरे को सब टर्म्स एंड कंडीशन मंजूर है। एक बार फिर से सोच लीजिए, मैंने बहुत लोगों को देखा है जो इस तरह अलग होते हैं, वो कभी सेटल नहीं हो पाते। देखिए, ये मेरा प्रॉब्लम है, आप डिवोर्स केस फाइल कीजिए। अय्यर भाई, आप अभी भी सोच लीजिए, बबीता जी जैसी पत्नी को छोड़कर आप वो जीवावली के साथ खुश रह पाओगे? लेकिन बबीता तो सुखी रहेगा ना? दया भाभी, मैं सीडी के साथ ज्यादा खुश रहेगा। बहु, इस नफ़रत को समझाने का कोई फायदा नहीं है। ए भाई, ए, तू जा यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल निकल यहाँ से, निकल निकल। बाबूजी, शांत हो जाए, बाबूजी प्लीज शांत हो जाए। अरे बाबूजी प्लीज। जा बैठ जाए, जेठिया बैठ जाए। ओके। एक मिनट अय्यर भाई। ऐसी सिचुएशन में बबीता जी अकेले कहाँ रहेंगे? ये डिवोर्स आपके अफेयर की वजह से हो रहा है, तो ये घर आपको उन्हें ही देना पड़ेगा। ठीक है, मेरे को मंजूर है। ठीक है, तो आप इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए। बबीता जी, आप यहाँ साइन कर दो। गोकुलधाम के इतिहास में आज की तारीख हमेशा के लिए लिखी जा चुकी है। आज की तारीख हम कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि आज की तारीख में अय्यर और बबीता जी ने डिवोर्स पेपर पे साइन कर दिए। हम कुछ ना कर सके, मजबूरी का मुखौटा ओढ़ के बस तमाशा देखते हैं। ये गलतफहमी जिंदगी के किस मोड़ पे हमें लाके खड़ा कर देती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज हमने देखा। सबसे बड़ी समस्या आज की यही है, हमारे किसी के साथ मनमुटाव हो, कोई गलतफहमी हो जाए, तो हम आमने सामने बैठ के बात नहीं करते। और यकीन मानिए, अगर हम आमने सामने बैठ के बात कर लें तो सारी गलतफहमी दूर हो जाए। और यही यहाँ पे हुआ है। अगर बबीता जी और अय्यर एक बार आमने सामने बैठ के बात कर लेते तो शायद गलतफहमी दूर हो जाती और ये डिवोर्स की नौबत ही नहीं आती। लेकिन अब तो डिवोर्स पेपर पे साइन हो गए, अब क्या होगा? क्या अय्यर और बबीता जी के बीच की गलतफहमी किसी को पता नहीं चलेगी? क्या आज बिछड़ रहे अय्यर और बबीता जी कभी आपस में नहीं मिल पाएंगे? भाई, यहाँ गोकुल धाम में इस वक्त बहुत सारा टेंशन है, और हर टेंशन के साथ आपके लिए घरों में ठहा के लिखे हैं। मैं जानता हूँ, जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तब यहाँ भले ही कितना भी टेंशन क्यों ना हो, आपके घर में होगी हंसी। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।